अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ स्मार्ट रियल इस्टेट लाहौर, मियाँ राशिद बोल रहा हूँ। 03024445456 मेरा नंबर है। मैं इस वक्त ख़बानी अमीन के एन ब्लॉक में हूँ। आज हम इसका डिटेल विज़िट करते हैं। इससे पहले कि हम विज़िट स्टार्ट करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको बर वक्त अपडेट्स मिलती रहें। एन ब्लॉक के अंदर 5 और 10 मरला कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। आपने देखा है शुरू में कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी तादाद में स्टार्ट हो चुकी हैं। ये जो आप मेरी राइट साइड पे स्ट्रीट्स देख रहे हैं, ये एन फॉर नेशन एन ब्लॉक है। और एन ब्लॉक के अंदर अगर आप 5 मरले का प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपको 60 से 65 लाख रुपए का मिल जाएगा। ऑन ग्राउंड पोजेशन है, आप फौरी घर बना सकते हैं। हर नए दिन के साथ यहाँ पे भी एक नई कंस्ट्रक्शन जारी है। ये जो राइट साइड पे जितनी कंस्ट्रक्शन आपको नजर आ रही है, ये आपके लिए सरप्राइज होगा। बड़े अरसे के बाद हमने इसको अपडेट किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पे भी घर जो हैं वो बन रहे हैं। यहाँ पे ख़वाने अमीन के एन ब्लॉक के अंदर 5 मरला और 10 मरला कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। और अगर आप 10 मरला प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए और 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रेंज में, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे। ये बड़ा एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है अगर आप यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं तो मुनासिब प्राइस पे। आप ये देख सकते हैं एक छोटा सा पार्क भी यहाँ पे डेवलप है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये सामने एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद भी यहाँ पे डेवलप है और इसकी इंटरनल स्ट्रीट्स भी मैं आपको विजिट कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये सारी जो कंस्ट्रक्शन है, ये ख़बान अमीन का एन फॉर नेशन एन ब्लॉक है। और यहाँ पे आप 5 मरले का प्लॉट 60 से 65 लाख रुपए का लेके फौरी घर बना सकते हैं। अगर अच्छी लोकेशन पे है तो 70-75 लाख रुपए भी। जैसे कि ये फेसिंग पार्क एरिया है, इस साइड पे ये देखें ये कितना खूबसूरत पार्क डेवलप है। अभी बारिशों की वजह से इसकी मेंटेनेंस उस तरह से नहीं हो सकी, लेकिन ये है कि ख़बान अमीन इसको भी मेंटेन कर रहा है। और ये साथ जो है वो बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी ये डेवलप कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है, ये ख़बान अमीन का एन ब्लॉक है। और मैं आपको विजिट करा रहा हूँ। जुलाई 2023 का ये लेटेस्ट अपडेट है। बड़े अरसे के बाद हमने इसको अपडेट किया। ये मेन बुलेवार्ड है, ये स्ट्रेट कनेक्ट करेगी रिंग रोड के साथ। और इस साइड पे आप देखें ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है, ये पार्क के ऑपोजिट और सराउंडिंग में एक मस्जिद भी है, पार्क भी है। और ये आप देख सकते हैं पार्क के सामने वाली लेन में आपको विजिट कराता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। यहाँ पे ऑलरेडी जो है मेरे ख्याल में ईडन वगैरह के जो है वो कुछ घर यहाँ पे डेवलप हैं जो एक ही तर्ज के हैं। लेकिन जहाँ यहाँ पे अगर जो रिमेनिंग प्लॉट्स हैं, अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो आपको 5 मरला 55, 60 से 65 लाख, 70 लाख रुपए की रेंज में प्लॉट मिल जाएगा। और अगर आप 10 मरला प्लॉट खरीदना चाहते हैं ख़बान अमीन एन फॉर नेशन ब्लॉक में, तो आपको यहाँ पे 10 मरला 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रेंज में इस लोकेलिटी में आपको प्लॉट मिल जाएगा। स्मार्ट रियल इस्टेट का एजाज है, हम बड़ी डिटेल में आपको विजिट कराते हैं ताकि आपको बेहतर अंदाज में आइडिया हो सके। पहले मैंने आपको राइट साइड पे सारी स्ट्रीट्स का एक ओवरव्यू दिया, अभी हम इंटरनल स्ट्रीट को विजिट करते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की सिचुएशन क्या है। यहाँ पे काफ़ी घर हैं जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और लोग यहाँ पे रह रहे हैं। गलियों की सिचुएशन आपके सामने, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अलावा यहाँ पे सड़कें भी रिसेंटली इन्होंने कारपेट की हैं, जो कि इनके ए बी सी डी ब्लॉक के अंदर सड़कों की उतनी अच्छी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कदरे बेहतर हैं और डेवलपमेंट भी आपके सामने है। यहाँ पे अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं, आप स्मार्ट रियल इस्टेट से रब्ता करें, हम आपको मार्केट से बेस्ट प्राइस लेके देंगे। मैं आपको विजिट करा रहा हूँ ख़बान अमीन का एन ब्लॉक। ये सारी जो स्ट्रीट्स हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ घर जो हैं वो बिल्कुल एक तर्ज के, जैसे ईडन वाले घर बनाते हैं उस तरह के बने हुए हैं। और ये इसके जस्ट ऑपोजिट बाकी जो रिमेनिंग प्लॉट्स थे, ये आप देख सकते हैं ये ख़बान अमीन के एन ब्लॉक के अंदर 5 मरला कैटेगरी 60-65 लाख का समझदार लोगों ने प्लॉट लेके घर बना लिया है। और अपना घर जो है वो एक नेमत है, आप अगर विजिट करें या रेकी करें तो आपको अच्छी लोकेशंस में, अगर आप इसकी सराउंडिंग में कुछ सोसाइटीज़ को
देखें तो वहां पे आपको प्लॉट्स के रेट्स काफी ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि लेक सिटी में 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट है, और इसी तरह अगर आप फिजाइया हाउसिंग सोसाइटी या DHA रैबर में जाएं तो वहां पे भी यही रेट्स हैं, और इसकी हाफ प्राइस पे अगर आपको एक आइडियल लोकेशन के ऊपर हाफ प्राइस पे अगर आप प्लॉट खरीदते हैं। देखें सोसाइटी की मेंटेनेंस और दूसरी चीजों का फर्क होता है, इसी वजह से रेट का फर्क है, लेकिन जो जो अपने बजटेड घर बनाना चाहते हैं उनके लिए फिर भी ये बड़ी रीजनेबल एक साफ सुथरी वेल प्लान्ड सोसाइटी के अंदर अगर आप प्लॉट लेके घर बनाते हैं तो मैं समझता हूँ ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस साइट पे आप देखें ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है एन ब्लॉक ख्याबाने अमीन की है, बहुत बड़ा ब्लॉक नहीं है, छोटा सा ब्लॉक है, लेकिन मैंने आपको पूरी इसकी जो गलियां हैं वो ऑन ग्राउंड दिखाई हैं, और मैं ये कोशिश करता हूं कि जो भी ऑन ग्राउंड मेरी फीलिंग्स हों वो मैं एक्सप्रेस करूं, ताकि किसी किस्म की वो कोई मार्केटिंग मटेरियल ना हो। आपको जो समझ आ रहा है आप अपनी इन्वेस्टमेंट को राइट डायरेक्शन में करने के लिए आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वैसे तो ये पूरा एरिया बड़ा काम एंड क्वाइट है, क्योंकि रिंग रोड की राइट साइड पे सिर्फ ख्याबानी मीन में जो रेजिडेंट्स हैं, इस तरह का कोई LDA का बड़ा रोड ऐसा यहाँ पे नहीं है जहाँ से बहुत ज़्यादा रश हो। जो भी एरिया है बिल्कुल रेजिडेंस पर्पस पे ये बना हुआ है, और ये मेन बुलेवार्ड एक टाइम आएगा जो कि रिंग रोड के साथ कनेक्ट करेगा, और बाकी ये एल ब्लॉक वाली साइड पे भी आपको सारी इसकी कंस्ट्रक्शन नजर आएगी। ये आप देख सकते हैं एन फॉर नेशन ब्लॉक के बिल्कुल फ्रंट पे एक बहुत बड़ी मार्केट है, जिसमें डीलर्स मार्केट भी है, बाकी आपको तो आपकी बेसिक यूटिलिटीज के लिए छोटे मोटे स्टोर्स हैं, फ्रूट शॉप हैं, वेजिटेबल शॉप्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। ये पूरा एरिया जो है मेरी राइट साइड पे आपको कमर्शियल और कमर्शियल की बैक पे जो नज़र आ रहा है ये एन ब्लॉक का है, जहाँ पे 5 और 10 मरला के प्लॉट्स हैं, और ये एक डिटेल विजिट था स्मार्ट रियल एस्टेट के चैनल से। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।